हेलो बच्चों, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इटरेटिव स्टेटमेंट्स इन पाइथन चैप्टर 7। ओके, सो लूप्स और इटरेशन कंस्ट्रक्ट्स। सो द इटरेशन स्टेटमेंट और रिपीटेशन स्टेटमेंट्स अलाउज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी परफॉर्म्ड रिपीटेडली। लाइक सेम चीज अगर हम बार बार करते हैं ना, तब हम यूज करते हैं लूप्स या इटरेशन कंस्ट्रेंट्स को। पाइथन प्रोवाइड थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स: काउंटिंग लूप, कंडीशनल लूप्स और नेस्टेड लूप्स। काउंटिंग लूप्स क्या होते हैं? रिपीट अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, एक लाइक 10 बार आपको एक चीज करनी है, 20 बार, 25 बार, तब आप काउंटिंग लूप्स यूज करोगे। ठीक है, जो कि फोर लूप्स के थ्रू होता है। देन कंडीशनल लूप्स रिपीट अंटिल अ सर्टेन थिंग हैपन। लाइक जैसे कि वाइल में एक सर्टेन थिंग जब तक वो होती नहीं है, जब तक कंडीशन होती है, तब तक हम यूज करते हैं वाइल लूप। जब हमें नहीं पता होता कितनी बार हमें लूप चलना है, 10 बार, 12 बार, तो हम कंडीशनल लूप्स यूज करते हैं। देन वी हैव नेस्टेड लूप्स, अ लूप इनसाइड एन लूप। लूप के अंदर लूप जब हम यूज करते हैं, कंडीशन के अंदर जब हम कंडीशन यूज करते हैं, देन इट्स नोन एज नेस्टेड लूप्स। देन इटरेटिव स्टेटमेंट्स, एन इटरेटिव स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन थ्री वैल्यूज। इटरेटिव स्टेटमेंट थ्री वैल्यूज पे बेस्ड होती है: स्टार्ट वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू होती है, दैट इज सी इक्वल्स टू जीरो, अ टेस्ट कंडीशन, दैट इज सी इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव, एंड अ स्टेप वैल्यू, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, दैट इज सी इक्वल्स टू सी प्लस वन। स्टार्ट वैल्यू में आप क्या करोगे, इनिशियलाइज कर दोगे अपने वेरिएबल को, और टेस्ट कंडीशन में एक कंडीशन दोगे। ठीक है, स्टेप वैल्यू में या तो वो इंक्रीज होगा 1 से या डिक्रीज होगा। ठीक है, एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट्स। दो तरह की इटरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, फोर लूप एंड वाइल लूप। ठीक है, फोर लूप पाइथन में यूज होता है इटरेटिव ओवर अ सीक्वेंस ऑफ नंबर और अ सीक्वेंस, जैसे लिस्ट के लिए, टपल के लिए, स्ट्रिंग के लिए और अदर इटरेबल ऑब्जेक्ट्स। इट इज नोन एज अ डेफिनेट लूप। इसको हम डेफिनेट लूप भी बोलते हैं। इसका सिंटेक्स होता है फोर, जो कि एक कीवर्ड होता है बच्चों। वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे यूज करते हो, ए बी सी आई, कुछ भी इन सीक्वेंस। ठीक है, इन यहाँ पे ऑपरेटर है, उसके बाद आप सीक्वेंस यहाँ पे दे सकते हो। देन आपके लूप की बॉडी यूज होती है, स्टेटमेंट जो भी आपको एग्जीक्यूट करनी है वो बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, देन इटरेटिंग ऑन स्ट्रिंग टू डिस्प्ले ईच कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इन सेपरेट लाइन्स। अगर आपको एक आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, कैरेक्टर या स्ट्रिंग या नाम है, अब आपको ना वही चीज अलग अलग, एक जैसे चॉकलेट वर्ड है आपके पास, तो आपको सी चाहिए, फिर एच चाहिए, अलग अलग लाइंस में चाहिए, हर कैरेक्टर हर लाइन में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एस आर इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट डबल कोटेशन मार्क एंटर अ स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग एंटर करा ली, फॉर आई इन एस टी आर कॉलन एंटर एंड प्रिंट विद इन ब्रैकेट आई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एक करके एक एक कैरेक्टर प्रिंट होगा, देन आई जस्ट प्रिंट ब्रैकेट डबल कोटेशन मार्क लूप एंडेड। ठीक है, तो यहाँ पे फोर लूप क्या करेगा, फोर जो है आपका कीवर्ड है, आई जो है आपका वेरिएबल है, इन ऑपरेटर है, और एस टी आर इज द वेरिएबल नेम जिसमें मैंने इनपुट लिया है। उसके बाद ये जो प्रिंट विद इन ब्रैकेट आई है, ये फोर लूप के ही अंदर है, क्योंकि यहाँ पे आप इंडेंटेशन देख सकते हैं। ठीक है, देन आप इसके बाहर आओगे, प्रिंट ब्रैकेट डबल कोटेशन मार्क लूप एंडेड। तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरह चल रहा है, एस मैंने यहाँ पे इनपुट दिया, ओके, सैंपल स्ट्रिंग, सो एस एम पी एल ई। उसके बाद जो स्पेस है ना बच्चों, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, और आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले भी हुआ है, ओके, एंड एट द एंड इट शोज दैट लूप एंडेड। उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द वर्किंग ऑफ लूप्स। और यहाँ पे दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, इन एंड नॉट इन। इनमें क्या होता है, इट इवेल्युएट ट्रू इफ इट डिटेक्ट्स अ वेरिएबल इन द सीक्वेंस, एल्स इट रिटर्न फॉल्स। जैसे कि मैंने कहा कि एक वर्ड है या फिर कोई भी मैं वेरिएबल यूज कर रही हूँ, वो उस वेरिएबल में, जैसे एक लाइन लिखी मैंने, माई नेम इज एबीसी, अब मुझे एबीसी देखना है कि वो उस स्टेटमेंट में है या नहीं, तो ये क्या करेगा, ये इवेल्युएट करेगा, डिटेक्ट करेगा वेरिएबल्स को इफ दैट इज ट्रू और नॉट। और नॉट इन में क्या होता है कि वो क्या करता है, अगर नहीं है, ठीक है, नॉट इन, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर वन, ओके, नॉट इन ऑपरेटर। जैसे मैंने बोला माई नेम इज एबीसी, और मेरे को देखना है कि एबीसी उस वेरिएबल में है या नहीं है, तो
मैंने कहा रिया इज नॉट इन, मेरे को ये चेक करें कि वो उसमें तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद रेंज फंक्शन, रेंज का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ नंबर। सो फॉर लूप कैन इटरेट ओवर अ सीक्वेंस ऑफ नंबर यूजिंग द रेंज, ये इटरेट कर सकता है सीक्वेंस ऑफ नंबर में यूजिंग द रेंज। रेंज फंक्शन क्या करता है, रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होता है एंड इंक्रीमेंट बाय वन, 0, 1, 2, 3 ऐसे बाय डिफॉल्ट चलता रहता है एंड एट अ स्पेसिफाइड नंबर, एक स्पेसिफाइड नंबर पे जो है ये रुक जाता है, ठीक है, जो भी अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन वो स्पेसिफाइड नंबर होता है। आफ्टर दैट रेंज फंक्शन का सिंटेक्स होता है रेंज ब्रैकेट में स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू देन स्टेप। सो इट विल जनरेट सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप माइनस वन विथ स्टेप प्रोवाइडेड। सो बाय डिफॉल्ट ही जो भी आप स्टार्ट वैल्यू दोगे वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, जो आपकी एंड वैल्यू होगी ना उससे एक कम पे खत्म हो जाएगा, स्टॉप माइनस वन पे ये खत्म हो जाएगा। सो स्टार्ट ऑप्शनल होती है एंड इंटीजर नंबर स्पेसिफाइंग एट विच पोजिशन टू स्टार्ट, ठीक है, एंड इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टार्ट इज जीरो एंड स्टॉप रिक्वायर्ड एंड इंटीजर नंबर स्पेसिफाइंग एट विच पोजिशन टू एंड, ठीक है, एंड ओके। सो रिक्वायर्ड जो भी आप यहाँ पे स्टॉप में दोगे उससे कंपेयर हो जाएंगे, इंटीजर नंबर स्पेसिफाई करेगा एट विच पोजिशन टू एंड, जहाँ पे भी आपको एंड वैल्यू देनी, जैसे मैंने एंड वैल्यू 5 दी तो ये 4 पे एंड हो जाएगा। देन स्टेप वो ऑप्शनल होता है आपको देना है या नहीं देना है, ये इंक्रीमेंट वैल्यू होती है या डिक्रीमेंट वैल्यू होती है, माइनस में दोगे तो डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज करनी है तो पॉजिटिव वैल्यू दोगे, ठीक है। और आप इसको लिखते कैसे, वो रेंज ब्रैकेट स्टार्ट वैल्यू कॉमा स्टॉप वैल्यू कॉमा स्टेप वैल्यू, ठीक है। अगर सिर्फ एक वैल्यू दी गई है तो स्टॉप कंसीडर होती है, दो वैल्यू अगर आप दे रहे हो तो स्टार्ट और स्टॉप कंसीडर होती है, अगर तीनों दे रहे हो तो इस ही सीक्वेंस में आएंगी, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। आफ्टर दैट दीज आर सम एग्जांपल, जैसे मैंने लिया रेंज विद इन ब्रैकेट मैंने लिया 10, तो ये क्या करेगा, ये जनरेट कर देगा नंबर्स को 0 to 9, 0, 1, 2, 3 लाइक दिस टिल 9। उसके बाद मैंने लिया रेंज 3, 10, तो यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू आपकी हो गई 3 और एंड वैल्यू हो गई 10। सो एंड वैल्यू से एक कम पे खत्म हो जाता है, ये 9 पे खत्म हो जाएगा। सो इट विल जनरेट अ नंबर फ्रॉम 3 to 9 दैट इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एंड वैल्यू से एक कम पे ये खत्म हो जाता है। देन वी हैव रेंज 3, 10, 3। सो रेंज फंक्शन 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 क्या है, आपकी एंड वैल्यू है, सो एक कम पे एंड हो जाएगा यानी 9 पे एंड हो जाएगा, और यहाँ पे स्टेप दिए हुए 3। जैसे बच्चों इसके एग्जांपल ऐसे समझो, आप खड़े हो, मैं आपको बोलूँ कि आप 3 3 स्टेप्स की जंप लो, तो आप 3 स्टेप एक साथ कवर कर रहे हो, राइट। सो इट विल जनरेट अ नंबर फ्रॉम 3 to 9 विद स्टेप 3 दैट इज 3 3 + 3 6 6 + 3 9। सो 3 then 6 then 9 इस तरीके से आपका ये चलता रहेगा, पर ये सिर्फ 9 तक चलेगा क्योंकि मैंने एंड वैल्यू यहाँ पे 10 दी है और एंड वैल्यू से एक कम पे खत्म होता है, ठीक है। देन रेंज फंक्शन डज नॉट स्टोर ऑल द वैल्यूज इन मेमोरी, सो इट रिमेम्बर द स्टार्ट स्टॉप स्टेप साइज एंड जनरेट द नेक्स्ट नंबर ऑन द गो, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्टोर कहीं नहीं करता वैल्यूज को, ये रिमेम्बर रखता है कि स्टार्ट वैल्यू क्या है, स्टॉप वैल्यू क्या है, स्टेप वैल्यू क्या है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली ये नंबर्स को जनरेट करते रहते हैं। एंड टू फोर्स दिस फंक्शन टू आउटपुट ऑल द आइटम्स वी कैन यूज फंक्शन लिस्ट, यहाँ पे हम लिस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे मैंने एक्स इक्वल्स टू लिस्ट लिखा, ब्रैकेट में रेंज 3, 10, सो यहाँ पे क्या आएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8 till 9, तो ये एक तरीके की लिस्ट बन जाएगी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा 4i इन रेंज ब्रैकेट 10, 20, तो 10 यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू और 20 आपकी एंड वैल्यू है, सो ये एग्जीक्यूट करेगा टिल 90, ओके। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, प्लस वन कर रही हूँ, आई प्लस वन, तो 10 पहली बार आएगा फिर प्लस वन होके 11 बन जाएगा, 12, 13, 14, यहाँ पे ना लास्ट वाले में ये बनेगा 19, पर यहाँ पे आई प्लस वन हो रहा है इस वजह से ये बनेगा 20, ठीक है। अब नीचे वाले में देखो, मैंने लिया 4 आई इन रेंज ब्रैकेट में 10, 20,
10 कॉमा 20 कॉमा 3, तो 10 स्टार्ट वैल्यू रहेगी और 3 आपकी स्टेप वैल्यू, तो 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 16, और ये कहाँ तक जाएगा, ये 19 तक जाएगा, क्योंकि 20 जो है आपकी एंड वैल्यू है और 20 माइनस 1 19, तो ये टिल 19 तक जाएगा, सो 20 13 16 एंड 9, तो प्रिंट आए तो आई की वैल्यू जो है आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये अब क्या है, ये फ्लो चार्ट के थ्रू है। सबसे मैंने पहले लिया 4i इन रेंज विद इन ब्रैकेट 5 कॉलन एंड प्रिंट i, तो यहाँ पे स्टार्ट किया हमने अपना प्रोग्राम। सबसे पहले इनिशियलाइज किया i इक्वल्स टू 1, प्रिंट विद इन ब्रैकेट i, और फिर i को 1 से इंक्रीज कर दिया, और यहाँ पे क्या है, कंडीशन है कि i की वैल्यू जो है वो 5 से कम होनी चाहिए, i इज वैल्यू शुड बी लेस देन 5। अगर ऐसा है yes, तो ये वापस जाएगा प्रिंट i करेगा, नहीं तो एग्जिट हो जाएगा या फिर स्टॉप भी बोल सकते। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट्स में आप देख सकते हो ओवल शेप्स आर यूज फॉर स्टार्ट एंड एग्जिट और स्टॉप, एंड रेक्टेंगल्स आर यूज फॉर प्रिंटिंग और टेकिंग इनपुट्स। टेकिंग इनपुट्स के लिए हम यूज करते हैं पैरेलोग्राम, और ये चीजें डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल यूज करते हैं, और डायमंड साइन आर यूज फॉर डिसीजन मेकिंग कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन के लिए आप डायमंड साइन यूज करते हो डिसीजन मेकिंग। इसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल, s इक्वल्स टू 0, इसके बाद मैंने लिया 4i इन रेंज विद इन ब्रैकेट 3, 10 कॉलन एंटर s इक्वल्स टू s प्लस 1, प्रिंट ब्रैकेट डबल क्वेश्चन मार्क सम ऑफ ऑल नंबर्स विद इन रेंज 3, 10। अब मेरे को ना यहाँ पे रेंज मैंने दी है 3 से 10 तक, और मुझे उन सारे नंबर्स का सम चाहिए, तो मैंने क्या किया, s इक्वल्स टू s प्लस 1 किया, तो i की वैल्यू सबसे पहले 3 होगी, फिर 1 से बढ़ेगी 4 होगी। तो अगर बच्चों मैंने ऊपर s equals to 0 लिखा, अगर आप 0 में कोई भी नंबर ऐड करोगे तो वही नंबर आ जाता है डिस्प्ले होके, ठीक है। इसी तरह s की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी, i की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और s की वैल्यू इसमें, s i की वैल्यू 1 से बढ़ेगी 3, 4, उसके बाद ये ऐड होते चला जाएगा। इसका फ्लो चार्ट देख लो, स्टार्ट के बाद हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया s इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 3 लिया, फिर i s इक्वल्स टू s प्लस 1, s की वैल्यू हमने 1 से इंक्रीज करी s प्लस i, उसके बाद एक कंडीशन चेक करी हमने कि i की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 10 से, क्यों, क्योंकि 9 पे ये छोटी हो जाएगी राइट, और यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 1 कम पे ये एंड हो जाता है। उसके बाद अगर ये डिसीजन सही है यस, सो अगेन इट विल गो टू द s इक्वल टू s प्लस i, और वो वापस से सम कर देगा, अदरवाइज नो होगा तो प्रिंट कर देगा s को, और ये नो कब होगा, जब i की वैल्यू बन जाएगी 10, और उसके बाद हम एग्जिट हो जाएंगे इस लूप से। ओके, नेक्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एंटर बाय द यूजर, ठीक है। फैक्टोरियल होता है बच्चों जो भी नंबर दिया है उसको आप मल्टीप्लाई करो टिल 1, उल्टा, जैसे 5 फैक्टोरियल तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक इनपुट लिया, एंटर अ नंबर, और उसको मैंने इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन नंबर्स हियर। देन मैंने लिया f इक्वल्स टू 1, एक वेरिएबल मैंने 1 लिया, क्योंकि आप अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। फिर मैंने लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 1, a + i, a + 1, तो जो भी नंबर यूजर एंटर कर रहा है ना, हमें वो नंबर भी चाहिए, ठीक है। जैसे यूजर ने 10 किया, 10 का फैक्टोरियल, तो हमें वो नंबर भी चाहिए, सो हियर वी आर यूजिंग a + 1, सो 11 हो जाएगा, ठीक है। 10 अगर मैंने यहाँ पे दिया तो वो 11 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें वो नंबर भी चाहिए। उसके बाद मैंने किया f इक्वल टू f इंटू i, सो f की वैल्यू जो है बार बार चेंज होती रहेगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने 10 किया, ओके, अब हम यहाँ पे 1 है f की वैल्यू, सो 1, फिर 1 इंटू 2, फिर ये f की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इंटू 3, इस तरीके से ये चलता रहेगा और आपको आपका फैक्टोरियल मिल जाएगा, ठीक है। सो द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज कॉमा f। नेक्स्ट इज Python program to print negative numbers in given range. तो ये है बच्चों मल्टीपल असाइनिंग। अगर आपको एक ही लाइन में बहुत सारे वेरिएबल्स को असाइन करना है
तो सबसे पहले मैंने लिया स्टार्ट कॉमा एंड इक्वल्स टू -4, 90। सो स्टार्ट में जाएगा -4 और एंड में जाएगा 90, क्योंकि स्टार्ट पहले वेरिएबल है, -4 इधर से पहली वैल्यू है, एंड दूसरा वेरिएबल है और 19 दूसरी वैल्यू है। उसके बाद हमें नेगेटिव नंबर्स के बारे में जानना है, तो हमने क्या किया, फोर लूप यूज किया है यहाँ पे, फोर नंबर इन रेंज, और रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्ट कॉमा एंड प्लस वन, क्योंकि हमें वो नंबर एंड वाला नंबर भी चेक करना है, तो एन प्लस वन यहाँ पे हमने दे दिया। उसके बाद मैंने देखा इफ नंबर इज लेस देन 0 कॉलन एंटर, तो आप क्या करोगे, प्रिंट नम कॉमा एंड इक्वल्स टू डबल क्वोटेशन मार्क, ठीक है। अब आपको नेगेटिव नंबर्स प्रिंट करने हैं, नेगेटिव नंबर्स का लॉजिक होता है कि वो 0 से छोटे होते हैं, तो वही लॉजिक हमने यहाँ पे यूज किया, नम इज लेस देन 0 कॉलन एंटर, प्रिंट ब्रैकेट नम कॉमा एंड इक्वल्स टू डबल क्वोटेशन मार्क। तो ये डबल कोटेशन मार्क क्या कर रहा है, एंड मतलब आपका जब प्रिंट होगा उसके बाद एक स्पेस आ जाएगी एंड के बाद, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये स्पेस आ जाएगी, तो इस तरह आप ये प्रिंट कर सकते हो, ओके। तो ये आपका हो गया नेगेटिव नंबर्स के लिए आप क्या करोगे, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, तो प्रिंट टेबल्स ऑफ अ नंबर, अगर आपको एक टेबल प्रिंट करनी है तो वो किस तरह आप करोगे, सो सबसे पहले मैंने एक इनपुट लिया नम, इंट ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट डबल क्वोटेशन मार्क एंटर द नंबर, और वो नंबर मैंने इंटीजर में जो है कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हम नंबर्स पे वर्क कर रहे हैं सो हमें इंटीजर्स वैल्यू चाहिए, राइट। देन मैंने प्रिंट किया मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन टेबल ले रहे हैं, जैसे आपको 9 की टेबल प्रिंट करानी है, 5 की 4 की, तो वो वही नंबर दोगे, वो नंबर आप इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे फोर लूप यूज किया, फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट 1, 11, क्योंकि 10 तक होता है ना, 1 into 1, 1 into 2 till 10, कॉलन एंटर, देन आई जस्ट प्रिंट नम कॉमा, वही नंबर जो आप यूजर इनपुट करेगा या आप इनपुट करोगे, कॉमा एक्स, एक्स सिंगल क्वोटेशन मार्क में है तो एज इट इज प्रिंट होगा, आई फोर लूप की वैल्यू इक्वल्स टू नम इंटू आई, जैसे आपने 5 दिया और यहाँ से i की वैल्यू भी चल रही है 1, 2, 3 इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, 5 into 1 करके 1, 5 into 2 20, 10, 5 into 3 15, इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा। सिंगल क्वोटेशन मार्क में जो भी चीज लिखोगे वो एज इट इज आएगी, कॉमा से सेपरेट कर रखा है यहाँ पे आपने, सो वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी नम में वो आएगी, जैसे 5i, x देख सकते हो, फिर i में 1, 2, 3 आई की वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग, और उसकी वजह से इक्वल के बाद की वैल्यू भी चेंज हो रही है मल्टीप्लीकेशन टेबल के अकॉर्डिंग, ओके। नेक्स्ट व्हाइल लूप, सो व्हाइल लूप इन पाइथन इज यूज्ड टू इटरेट ओवर अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द टेक्स्ट एक्सप्रेशन कंडीशन इज ट्रू। सो यहाँ पे आपने कोई भी कंडीशन दी, ठीक है, वो तब तक रन करेगा जब तक आपकी वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, कंडीशन अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो ब्लॉक ऑफ कोड, फॉल्स रहेगी तो खत्म हो जाएगा। इट्स इंटरप्रेट एनी नॉन जीरो वैल्यू एज ट्रू एंड नॉन नन एंड जीरो आर इंटरप्रेटेड एज फॉल्स, ठीक है। नॉन जीरो वैल्यू जो भी होगी ना, नॉन जीरो में वन आ गया तो अगर आप वन लिख रहे हो तो वो इंटरप्रेट होगी एज ट्रू, और जीरो इज ट्रीटेड एज फॉल्स, या फिर कोई वैल्यू नहीं देती, नन जो है आपकी वो भी फॉल्स की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप। एन नेचुरल नंबर मतलब हमें नेचुरल नंबर्स चाहिए, ठीक है, और नेचुरल नंबर एन तक चाहिए, तो आपको एक यूजर से पूछना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी चाहिए आपको सीरीज में। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या किया, इनिशियलाइज किया, एक वेरिएबल लिया आई कॉमा एस, आई में 1 गया और एस में 0, व्हाइल आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 है, जो भी आपने वैल्यू दी यहाँ पे, जैसे 5 दिया आपने एन में, सो जो आपकी आई की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू एन की वैल्यू होनी चाहिए, ओके। उसके बाद मैंने कॉलन एंटर किया, आप यहाँ पे देख सकते हो स्पेसेस है ना, एस इक्वल टू एस प्लस आई और आई इक्वल टू आई प्लस 1 से पहले स्पेसेस है, इसका मतलब ये इंडेंटेशन है उससे पहले। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो एड कर दी एस में, ठीक है, और i इक्वल टू आई प्लस 1 वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अपडेशन स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट टू टर्मिनेट द लूप, अदरवाइज लूप विल बिकम इनफिनाइट। इनफिनाइट लूप मतलब नेवर एंडिंग लूप, कंडीशन ही कभी फॉल्स नहीं होती उसकी,
ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जाएगी, और ये कब तक होगी, जब तक ये आपके इनपुट के इक्वल नहीं हो जाते, उसके बाद सबका जो है सम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, एस वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं। अनदर वे टू राइट द सेम प्रोग्राम, इनपुट आपने लिया, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, इनिशियलाइज की स्टेटमेंट्स, एस इक्वल्स टू जीरो, व्हाइल एस एन की वैल्यू ज्यादा है या इक्वल है वन से, कॉलन एंटर, देन एस इक्वल्स टू एस प्लस एन किया आपने। यहाँ पे वेरिएबल हमने एन ले लिया, और बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए वन से, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया लूप को एन इक्वल टू एन माइनस वन। अब यहाँ पे हम ना रिवर्सिंग में लूप चला रहे हैं, जैसे आपने 5 दिया इनपुट, तो 5 फिर 4 फिर 3 इस तरीके से, जैसे ये 1 पे आएगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ दिस इज द सेकंड वे, ठीक है। एक ही प्रोग्राम को बच्चों आप बहुत सारे लॉजिक से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाइल लूप किस तरह यूज होता है, मैंने भी बताया, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा वेरिएबल का, तो मैंने लिया काउंट इक्वल्स टू जीरो, व्हाइल जो काउंट की वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए, 3 से छोटी होनी चाहिए, तो उसके बाद मैंने किया काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 और प्रिंट कर दिया हेलो स्टूडेंट। अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू बच्चों है 0, जहां से स्टार्ट हो रही है, व्हाइल अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0, 3 से तो छोटा है, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू बड़ी भी होगी, तो 0, 1, 2, तो 3 बार चला ना 0, 1, 2, सो इस वजह से हेलो स्टूडेंट 3 बार प्रिंट हुआ है, हेलो स्टूडेंट एंड है, ठीक है, इस वजह से ये 3 बार यहाँ पे प्रिंट हुआ, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, थैंक यू।